हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से, और जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को कहाँ कहाँ निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से आया है, जो कि पंजाब में। यहाँ पे देखिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू। तो देखिए यहाँ पे जो है जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन जो पे लेवल वो 10th है। साथ ही साथ यहाँ पे सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट भी मेंशन कर रखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट वो भी मेंशन कर रखा है। तो टोटल पोस्ट है 29 है, आउट ऑफ 29 अनरिजर्व के लिए 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज को निकाला गया है। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि आपको जो है कितना कितने सब डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट हैं और किस स्पेशलाइजेशन के, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल 29 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब बात करते हैं अगर हम इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 4 ईयर बीएससी इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या बीई या बीटेक होना चाहिए 11 लाइक इंजीनियरिंग में। इसके अलावा अगर आपका जो इंटीग्रेटेड एमई एमटेक है विद पीएचडी अप्रोप्रिएट प्लान, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम मैथमेटिक्स के लिए आपका पीएचडी विद बीएससी होना चाहिए एंड एमएससी होना चाहिए, और अगर आपका इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ बता दिए हैं कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने जो है पीएचडी जो है किसी फॉरेन से किया है, ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने पीएचडी किया तो उसकी जो रैंकिंग है वो टॉप 500 में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपका जो यूनिवर्सिटी है टॉप 500 में होना चाहिए, तब आप डायरेक्टली जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट क्या है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट बियॉन्ड एज ऑफ 60 ईयर्स इज डिस्करेज। तो अगर आपकी एज 60 ईयर से ऊपर है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में बी अपलोडेड टिल 31 जनवरी। तो देखिए लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी यहाँ मेंशन कर रखा है, और जो स्टार्ट डेट है वो 1 जनवरी। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप www.nitj.ac.in पर जाके इसके लिए अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसे डुल्ली अटेस्टेड करना है अपने टेस्टिमोनियल्स के साथ, और आपको सेंड कर देना है रजिस्ट्रार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोरे कैंपस जालंधर पंजाब टिल 5 PM। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2021 तक आपका हार्ड कॉपी जो है वो पहुँच जाना चाहिए यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है, और जो 1000 रुपीज़ है ये आप जो है अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से जो है वो पे कर सकते हैं। और जो 1000 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ी वो सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वही अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स से जो हैं तो। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी आई थिंक मे बी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, बाकी सब अगर आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, एनआईटीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन देख लीजिए कि अगर आप जो है केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन जो है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, तो इन सब में होना चाहिए। बहुत से यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो अगर आपका स्पेशलाइजेशन इनमें से किसी में भी है तब आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है एलिजिबिलिटी आप मेंशन कर रखे कि आपका जो है क्वालिफिकेशन किस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या नैनो मटेरियल केमिस्ट्री में होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।